अपने शहर को अब साफ सुथरा बनाना है। आपका एक नारा है कि वादा नहीं इरादा है, इसको कैसे जस्टिफाई करें? अब हल्के को शिक्षा में, स्वास्थ्य में नंबर वन पे लेके आना है तो मैम लेके आना है, पीछे का कोई रास्ता नहीं, इसे आगे। अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो फिर प्लान बी क्या है? जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ जाएंगे। जनता आपको चुनती है तो इस ओर आपका पहला कदम क्या होगा? हर चीज को हर पहलू पे बारीकी से काम किया जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा सीएम हमें मिला है तो हम हार ही नहीं सकते। चुनाव से ठीक पहले मार्च में प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया पार्टी ने, इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव? पूरा मुख्यमंत्री है मैम, उनको तो एक संत है, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसी नीतियाँ की, आज हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है और उससे बढ़ चढ़ के हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, उनकी सोच तो मैं कहता हूँ कमाल है। पक्ष कहता है सिर्फ पोर्टल की सरकार बनकर रह गई है, जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, अगर देश से करप्शन खत्म करना है तो पोर्टल की सरकार को आना पड़ेगा। जो 28 सालों का मिथक रहा है निर्दलीय विधायक चुनने का, इस बार वो परंपरा तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी और सतपाल रावत। डेफिनेटली मैम, भारतीय जनता पार्टी ये मिथक अब की बात तोड़ेगी। आपको लगता है कि पुंडरी में रोजगार के अवसर हैं? जी मैम, रोजगार के अवसर बहुत हैं मैम, अवसर देने वाला चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। मैम वो लहर नहीं, वो आने वाला जहर है। जनता टीवी प्रेजेंट चाय पर चर्चा, सतपाल जांबा बीजेपी नेता पुंडरी, संयोजक जिला स्वच्छता अभियान, 16 अगस्त शाम 5:30 बजे इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी, सीएम धामी कर रहे बैठक की अध्यक्षता, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार, आशा नौटियाल को मिल सकता है टिकट। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी केदारनाथ सीट। प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और हरिद्वार में येलो अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की तैयारियां जारी, पुलिस की ओर से चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को मंजूर करते हुए बाबा रामदेव और बालकृष्ण को दी राहत, रामदेव बोले दोबारा नहीं देंगे भ्रामक विज्ञापन। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध स्वाद व सेहत वाले। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद खाली हैं और इन सभी पदों को भरने के लिए बीजेपी की ओर से कवायद तक की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, फिलहाल इसकी प्रक्रिया जारी है तो बीजेपी में अभी सब कुछ ठीक संगठन स्तर पर होता है, इस बात का जिक्र किया है। कैबिनेट में मंत्रियों के पद खाली हैं और उसे भरने को लेकर अभी जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम का बयान जो है
वो सामने आया है। बीजेपी में सब कुछ संगठन स्तर पर होता है, संगठन जो फैसला लेता है उस पर अमल किया जाता है। उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, इस बीच आ रही है बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम बैठक जारी है, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी इस बैठक में। बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, जानकारी मिल रही है देहरादून से, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को लेकर चर्चा जो है वो इस बैठक में की जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को पारित कर किया जा सकता है, धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक जो है वो चल रही है देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को लेकर जो है वो चर्चा की जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को पारित जो है वो किया जा सकता है, इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी है कैबिनेट की, डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को लेकर चर्चा जारी है, कई अहम प्रस्तावों पर पारित हो सकते हैं, धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, डेढ़ दर्जन से भी अधिक प्रस्तावों को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है। इस बैठक में कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो मानी जा रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धामी कैबिनेट की अहम बैठक, कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो जारी है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो चल रही है और जानकारी आपको दे दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, कई अहम प्रस्ताव जिनको पारित जो है वो किया जा सकता, जिन पर चर्चा जो है वो चल रही है, कई अहम प्रस्तावों को पारित किया जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों को लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है इस बैठक में। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है, ऐसी जानकारी यहां पर मिल पा रही है, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है वो संभवतः की जा रही है? और बताया जा रहा है कि कई जो प्रस्ताव है उन पर चर्चा चल रही है, कई अहम प्रस्तावों को पारित भी किया जा सकता है। जी हमने निश्चित तौर पर धामी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है शुरू हो गई है, बैठक 11:30 बजे शुरू होनी थी और कहीं ना कहीं जो तमाम सारे प्रस्ताव है, कहीं डेढ़ दर्जन प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वह इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है की बैठक में सत्र संबंधी जो संविदा जो दैनिक वेतन कर्मचारी है उनके जो वो है वर्क चार्ज पर मोहर लगने की संभावना है। साथ ही जो अगले वीरों में जो अग्निवीर हैं उनमें नौकरी में आरक्षण देने की चर्चा हो सकती है, ऐसी तमाम चीजें हैं। साथ ही जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है, उनके जो वेतन मान में उससे इजाफा हो सकता है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है की उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी आरक्षण की बात चल रही थी इस बैठक में इससे भी मोहर लग सकती है कि ओबीसी आरक्षण किस तरीके से तय किया जाए। साथ ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो नगर पालिका और नगर निगम का दर्जा दिया जाना है इसमें भी चर्चा होने की संभावना है। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, करीब एक डेढ़ दर्जन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर मोहर लगने की संभावना है। आगामी एक सीट पर जो उपचुनाव यहाँ पर होना है उसको लेकर भी कोई चर्चा संभव है? देखिए निश्चित तौर पर अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि यह कैबिनेट की बैठक है, किस तरीके से राज्य का राज्य के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से काम किया जाए, क्या कुछ कार्य किए जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। और कहीं ना कहीं राज्य विकास को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में आपदा आई है, आपदा के मद में क्या कुछ किया जाए, या फिर जो किसान है, तमाम ऐसे लोग हैं जो बागवानी में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती है। क्योंकि उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों आपदा आई थी, तमाम जो आम जीवन था वो अस्त व्यस्त हो रखा था, किसानों को भी काफी नुकसान हुआ था और बागवानी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी नुकसान हुआ था।
हाँ, साथ ही तमाम जो मार्ग है वहाँ औरों के हुए थे, लोगों के घर भी कुछ ऐसे समाचार में आ रहा था कि जो लोगों के घर थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है मुआवजा देने की बात हो या फिर तमाम ऐसे अन्य विषय है इस सब विषयों पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही कैबिनेट में क्या कुछ अभी निकल कर सामने आएगा या कैबिनेट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अदानी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल नवीन, हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए प्रदेश में मौसम जो है उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल यहां पर उठा रहा है, तो इस विषय को लेकर भी चर्चा यहां पर की जा सकती है क्योंकि आगामी फिलहाल स्थिति को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या कुछ काम होने बाकी है और किस तरीके से जो खासकर यात्रा मार्ग है जो जहां पर ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है वहां पर किस तरीके से वहां पर व्यवस्थित करना है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, तमाम जो कैबिनेट मंत्री है वो इस बैठक में मौजूद है। साथ ही अगर शहरी विकास मंत्री की बात की जाए, अगर पर्यटन विकास मंत्री की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात की जाए, तो ऐसे तमाम मंत्री हैं इस बैठक में मौजूद है। और कहीं ना कहीं क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और यात्राओं को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए और किस तरीके से जो मार्ग अवरुद्ध रहे हैं उसे खोला जाए, वैकल्पिक मार्गों को बनाने के साथ ही ऐसे तमाम विषय हैं उस पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि डेढ़ दर्जन प्रस्ताव है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इस पर मोहर लगने की संभावना है। तमाम जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री इस बैठक में उस समय मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ चीजें हैं निकल कर सामने आएंगी वह सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समय तमाम ऐसे विषय है जिसको लेकर यह बैठक की जा रही है, चाहे यात्रा को दुरुस्त करने की बात की जाए, मार्गों को खोलने की बात की जाए, इस तमाम विषय को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन नवीन, अभी जो हाल फिलहाल जिस जगह जगह जहां घटनाएं हुई हैं बादल फटने की, कई लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, उन तक मुआवजा और किस तरीके से मदद जो है वो पहुंचाई जाए, सरकार की तरफ से किस तरीके की भागीदारी यहां पर होगी, इसको लेकर भी इस पर चर्चा की जा रही है क्योंकि कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर अभी भी लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। पर अंजलि, क्योंकि 3 जुलाई को जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई थी तो तमाम जो आम जीवन था वो अस्त व्यस्त हो रहा था, लेकिन अगर की बात ये कही जाए तो केदारनाथ की बात अगर मैं कहूँ तो केदारनाथ में जो लोगों का निकालने का सिलसिला था वह रुक रुक गया था, लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बादल फटने की घटना हुई थी जहां से आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा था, लोगों के घरों में भी मलबा आया था, कुछ घर क्षतिग्रस्त भी हुए थे। उसके मुआवजे की बात की जाए या फिर अन्य विषयों की बात की जाए, सड़क खोलने की बात की जाए, वैकल्पिक मार्गों की बात की जाए, ऐसे तमाम विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी बुलाया गया है और व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए इसको लेकर भी अब चर्चाएं वहां पर कैबिनेट की बैठक में चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। उधर आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे हैं और हाल ही में हुई कांवड़ यात्रा का सफल समापन हुआ है और वहीं केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन का नजारा देखने को मिला। चर्चा उस पर हो चुकी है और तकरा और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कांवड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कांवड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेकर लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है, सरकार ने कैजुअल्टी कम से कम हुई है इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं।
उधर आपको बता दें कि प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी से केदारनाथ के पूर्व विधायक और साथ ही वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि बीजेपी से पूर्व विधायक शैला रानी रावत के लंबी बीमारी के चलते निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा खाली हो गई और जिसके बाद से अब आशा नौटियाल को टिकट दिया जा सकता है। पार्टी की कार्यकर्ता हूं और 90 के दशक से हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम सब ने मिलकर काम किया है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि केदारनाथ जो उपचुनाव अभी होने वाले हैं उसमें पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा और जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर सब मिलकर काम करेंगे। उधर आपको बता दें कि किचवा में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और जिसको लेकर किचवा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विभाजन विभीषिका दिवस हम भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक किचवा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी। इसमें हम जो विभाजन की विभीषिका में जो लोग शहीद हुए उनके परिवारजनों को सम्मानित करेंगे और लोगों को विभाजन विभीषिका के समय जो अत्याचार हुए जो अनाचार हुए हैं उसको लोगों को जो लोग आएंगे वो अपने संस्मरण लोगों को बताएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से है जो हम यहाँ शाम को 4 बजे एक बैंक्वेट हॉल है ग्रांड हेरिटेज रुद्रपुर रोड पे वहाँ पे हम एक कार्यक्रम कराएंगे। तो पार्टी का मकसद है कि नई पीढ़ी इस बात से वाकिफ हो कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी शहादतें दी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, इस देश के विभाजन जो गलत नीति से हुआ उसके कितने दुष्परिणाम और कितना कष्ट सहा उन लोगों ने, कितना कुछ खोया है, तो उससे लोग प्रेरणा लें आने वाली पीढ़ियां। इस उद्देश्य से कार्यक्रम हो रहा है और हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी आ रहे हैं और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जो संगठन मंत्री जी हैं अजय जी भाई साहब वो भी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आ रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं के सामने एक अच्छा अवसर है और जनता यहाँ सब इकट्ठी होगी, समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है, सभी समाज के लोग जो प्रभावित रहे हैं परिवार वो सब बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उधर आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई कमी ना रहे इसको लेकर हरिद्वार पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल एसएसपी की ओर से चेकिंग के निर्देश जारी किए गए हैं जिसके बाद सभी पुलिस कर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं। इसके मद्देनजर वैसे भी चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमें सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारे BDS की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया। हिंदुवादी संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रुकवाए। रैली का आज का हमारा उद्देश्य ये है, बांग्लादेश में जैसा कि सभी को विदित है कि बांग्लादेश में जो है थोड़ी सी सरकार क्या हिली के बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हो गया। वहाँ विशेष सरकारी नहीं है, बांग्लादेशी जो हिंदू हैं हिंदुओं के साथ कत्लेआम वहाँ का जो मेन टारगेट है, तो जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने वहाँ जो हिंदुओं का कत्लेआम किया है उसके विरोध में हम आज एक रैली निकाल रहे हैं। मांगे ये हैं कि भारत सरकार उसमें दखल दे और जो अपने हिंदू हैं या तो उनको शरण दे या उनका संरक्षण सुनिश्चित करे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, भारत सरकार, और जिहादी मानसिकता के लोग भी नहीं सुधरते हैं, तो ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग उग्र हो जाएं और यहाँ फिर उसी प्रकार का नरसंहार कहीं अगर मान लो मुसलमानों के साथ होगा तो फिर सरकारों को भी दिक्कत होगी, शासन प्रशासन को भी दिक्कत होगी। हम ये चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और ऐसे कदम उठाने पर लोगों को मजबूर ना किया जाए।
वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम भारत में अल्पसंख्यकों और उनके हितों की बात करते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं। भारत सरकार को चाहिए कि वे बांग्लादेश में बनी नई सरकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदू उत्पीड़न को समाप्त करने की बात कहें। मानवता की हिफाजत की बात करते हैं हम, अपने देश में कहते हैं कि मानवता की रक्षा करो, तो वहां हिंदू मानवता में तो हम उसकी रक्षा की बात कैसे नहीं करेंगे। उसके लिए बिल्कुल सरकार को सख्ती से कहना चाहिए कि वहां की सरकार को, जो नई सरकार बनी है, उसको कहना चाहिए कि सख्ती से हिंदुओं की रक्षा करें, हमारे मंदिरों की भी रक्षा हो, और हमारे वहां सब मानवता की रक्षा क्यों नहीं होगी। जब यहाँ मुसलमान मायनोरिटी में है, यहाँ सिख मायनोरिटी में है, हम मायनोरिटी के लिए कहते हैं कि मायनोरिटी के साथ है, मैं आज भी बोल रहा हूँ मायनोरिटी के साथ है, तो हम बांग्लादेश में हिंदू मायनोरिटी में उसकी वहां रक्षा होनी चाहिए, और उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है वो गलत है। तो देश के विभिन्न राज्यों में होली के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं और आपको बता दें कहीं पर लठमार होली तो कहीं पर लड्डुओं की होली खेली जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दूध की होली के बारे में। दरअसल हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा से दूध की होली खेली। इस दौरान हर की पौड़ी पर उल्लास का माहौल भी दिखाई दिया। बता दें कि साल 1911 में पाकिस्तान में रहने वाले व्यापारी लाला रूपचंद ने पैदल आकर हरिद्वार में गंगा में ज्योत प्रवाहित की थी और गंगा मैया से आशीर्वाद लिया था, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। वही यात्रा आज परंपरा का रूप ले चुकी है। एक शहर है मुल्तान, वहां से पैदल चलकर भगत रूपचंद जी देश में एकता शांति के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहां पर आए थे। सावन के महीने में ज्योत प्रवाहित की थी। उस परंपरा को हम बखूबी निभा रहे हैं, जिनमें हमने नई पीढ़ी युवा पीढ़ी को जोड़ी है। ये मुल्तान समाज का नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति इसके अंदर जुड़ चुका है। माँ गंगा से दूध की होली खेली है, पिचाड़ियों में दूध भर के पुष्प अर्जित करके और अपनी मनोकामना पूर्ण हो और एकता और भाईचारे का संदेश दिया है और अपनी संस्कृति जिंदा रहे, इस बात का पीछे भाव है हमारा। एक तो 14वीं ज्योत है, 114 साल हो गए इसको करते करते। पूरा कार्यक्रम कैसे रहता है, कहां-कहां से लोग आते हैं? पूरे देश भर से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, पंजाब से, उड़ीसा से, और विशेषकर करनाल, सोनीपत, दिल्ली, सहारनपुर, तो ये सब लोग जो हैं आते हैं अपने परिवार के साथ, और शाम को यहाँ पे देखने का दृश्य होगा। दिन में होली, रात को दिवाली देखने को मिलेगी। क्या रहता है इस कार्यक्रम का? हाँ जी, उद्देश्य ना हमारे, देखो सावन के महीने के अंदर माँ गंगा की पूजा करना, पवित्र हमारा जो पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया है उसके अंदर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, और एकता और भाईचारे का संदेश पीछे है, तो अपनी संस्कृति जिंदा रहे। और रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी आ रही है, तो बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में आज हो सकती है भारी बारिश। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार में अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल में भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो 8 जिलों में आपको बता दें कि भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। भारी बारिश होने की संभावना जो है वो जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, टिहरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार में अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।